कोह हिमालया का इंतहाई खूबसूरत और दिलकश नज़ारा इन वसी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों के बीचों बीच सजी है पांडे पंचायत, जहां नाले हरदिखारी इंतहाई मतानत के साथ रवानदवा है। मरकजी व रियासती सरकारों ने कई दही तरक्याती स्कीमें शुरू की है, जिन्हें अमलाने के लिए एक मखसूस महकमा काम कर रहा है। दही तरक्याती महकमा हमारी रियासत के दही इलाकों की आबादी का मयारी ज़िंदगी बुलंद करने के लिए हमतन कोशा है। होता था यहाँ पर जमीन को ट्रैक्टर वगैरह नहीं जा सकता था ऊपर, तो जब से पिछले साल हमने ये रोड नरेगा के तहत निकाला है तो यहाँ के लोगों को रोजगार इसमें बांध दिया, तो उनको पैसा मिल गया, रोजगार उनका बांध दिया। और दूसरा आगे जो बागात हैं उनके लिए हमें अब तो उनका सेब को भी अच्छी कीमत आएगी, और वहाँ जमीन के लिए जो ट्रैक्टर हमें जाना था वहाँ ट्रैक्टर भी आप जा सकता है। और बहुत बड़ा वो एक वार्ड है, समझे वार्ड नंबर एक है, वो बांडी से कंडक्ट हो गया इस रोड से, तो इसका बहुत बड़ा फायदा पहुंचा। इससे पहले लोग घोड़ों पर वहाँ जाते थे तो बहुत मुश्किलात होती थी वहाँ बच्चों को स्कूल के अंदर, हमें मिडिल स्कूल है इधर आगे बांडी में, तो बहुत मुश्किलात होता था बच्चों को भी इधर आने में। तो अब शुक्र अल्लाह ताला का इस साल ये पूरा रोड बन गया, तो मरकजी दही तरक्की के तहत सबसे अहम स्कीम है MG नरेगा। इस स्कीम के तहत जहां दही इलाकों में तामीर व तरक्की के काम अमलाए जा रहे हैं, वहीं दही गरीब आबादी को बरसरी रोजगार बनाने के खातिर हर माली बरस में 100 दिन की रोजगार की गारंटी है। बात अगर स्वच्छ भारत मिशन की जाए, जिसका सीधा ताल्लुक सफाई के साथ है, तो महकमे ने 2013 सर्वे के तहत इस हलके में 190 बाथरूम बनाए हैं। इधर करके ये जो हमारा हलका है ये ST है, इसमें बिल्कुल गंद थी और बीमारियां फैल गई थी। जब ये बाथरूम गवर्नमेंट ने इशू किया, हमने बनाया, बिल्कुल सफाई हो गई, हमारे बच्चे भी ठीक है, बूढ़े भी, सब बिल्कुल कोई बीमारी नहीं आ रही। हम शुक्र गुजार हैं गवर्नमेंट के, इधर करके हमारे गांव में और हमारे जो ST हलके इनमें और भी काम देना हम कर। प्रधानमंत्री आवास योजना यानी PMAY के तहत इस हलके में 14 घर सेक्शन हुए थे जो इस साल कंप्लीट हुए हैं। मकान है पहले जी, मकान हमें कोठा था तो फिर हमने इंशाल्लाह वो गिरा कर। देखिए जी, ये हलका जो है हलका बांडी है, हलका पंचायत बांडी, और मैं यहाँ का एक बाशिंदा हूँ, मेरा नाम नज़ीर अहमद जंगल है। आज मैं ये कहना चाहूँगा कि हलका पंचायत बांडी में काफ़ी अच्छे काम हुए डेवलपमेंट के लिहाज से, और ये जो यहाँ पे एक स्प्रिंग बनाया गया है इसकी काफ़ी ज़रूरत थी यहाँ पे। इसमें से जो पानी इसमें जमा है काफ़ी अच्छा पानी है, ठंडा पानी रहता है, साफ़ पानी रहता है। यहाँ विंटर में काफ़ी लोगों को दिक्कत रहती है क्योंकि पानी जो है नलकों का वो जम जाता है और फ्रीज हो जाता है, तो लोगों को पानी नहीं मिलता है पीने के लिए। मनरेगा की एक खूबी ये भी है कि लोगों की राय से तामीर व तरक्की के कामों का तायुन किया जाता है। यहाँ पे हम बहुत शुक्र गुजार हैं जो ये पंचायत राज जब से शुरू हुआ यहाँ पे जो रोडें थी, मतलब वो MG नरेगा के तहत रोड बन गई, अब लोग काम कर रहे हैं। बाकी जो ये एक ये है आयुष ये है ना वगैरह, तो SBM से लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। हमारे ये जो गांव है, गांव साफ़ हो गया, लोगों ने मतलब शौचालय यूज़ किए, और जहाँ पे रोड नहीं थी सबसे बड़ा मसला था रोड का, तो यहाँ पे ये जो लिंक रोड्स बन गई, जहाँ पहले घोड़े वगैरह यूज़ होते थे आज ट्रैक्टर जाता है, लोड कैरियर जाती है, पेशेंट उतारते हैं तो उसके लिए गाड़ी जाती है।
मेरा नाम जैनब जान, मैं सरपंच बंड, मैं बात कर रही हूँ। इस वक्त इस गांव में पहले पानी नहीं था, पानी भी अब ठीक है। अब रोड शोर नहीं थी, ये गांव बिल्कुल खराब था। अब रोड भी बन गई है और गांव इस गांव के साथ मिल गए हैं। और जो जमीन है बागू शागू की रेट भी ज्यादा असल हो गई है, क्यों गाड़ी शाड़ी उधर तक पहुँच रही है। और जो एशियाम का काम था, ये बाथरूम शाथरूम में पहले इधर नहीं था, आज हमने ये भी बनाया। बिल्कुल गांव में सफाई है, बिल्कुल गांव अच्छा हो गया है। पहले लोग नहीं आते थे, आज नरेगा में काम शाम मिल रहे हैं, लोगों को पैसे जैसे मिल रहे हैं। आज लोग काम पर भी आते हैं, अच्छी तरीके से काम लोग करते हैं, लोगों का गुजारा भी बनता है। ये एशटी इलाका, हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, इधर ज्यादा से ज्यादा पैसा छोड़ने की कोशिश में आय वाय ज्यादा होना चाहिए और काम शाम ज्यादा होना चाहिए। जो काम पहले था वो तो सब हम निकाल के खत्म कर रहे हैं। इधर हम ग्राम सभा भी बुलाते हैं, फिर लोग आते हैं अच्छी तरीके से, फिर हम काम शाम प्लान चला देते हैं, फिर वो काम करते हैं।